सर भैया आज आपके ऑफिस ओपनिंग है, संग्राम सिंह जी आए हैं, क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने भी फिल्म इंडस्ट्री में कदम रख दिया, बैक टू बैक फिल्में कर रहे हैं। मेरी तरफ से सभी को शुभकामनाएं हैं और संग्राम भैया को भी ढेर सारी शुभकामनाएं कि नहीं अब आ गए हैं तो समर संग्राम होगा और अच्छा होगा। बहुत सबको उम्मीदें हैं कि समर फिल्म एंटरटेनमेंट अच्छा करती है, जब भी करती है। इसके पहले विनाशक फिल्म बनी थी, फाइटर किंग बनी, तो ऐसे ही लगातार कुछ न कुछ बड़ा जब भी होगा बड़ा होगा, क्योंकि कुछ काम बड़ा करने के लिए टाइम लगता है। तो अभी सारा कुछ अपने अनुकूल हो गया है, ऑफिस यहाँ पे हो गया, मुंबई में, बनारस में, सारे जगह सारा कुछ अपना प्रोडक्शन खुल गया है। तो अब काम होगा और लोगों को मनोरंजन करेंगे हम लोग अच्छे लेवल से, मतलब प्री से लेकर पोस्ट प्रोडक्शन तक सारा सारा, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो भी अपने पास है, सब कुछ अपने पास है, अब सिर्फ काम करके दिखाना है। तो क्या आने वाले दिनों में समर एंटरटेनमेंट फिल्म डिस्ट्रीब्यूशन और फिल्म के खरीदने और बेचने में भी कदम रखेगी? अब ये तो आएगा टाइम तो सभी लोगों को बता दिया जाएगा, अभी सारा कुछ चल रहा है और सब कुछ होगा धीरे धीरे, बस आशीर्वाद बना रहे सभी का। ये समर संग्राम जो भी का ये टाइटल फिल्म के समझे या आपकी जोड़ी समझे? अब देखिए कुछ न कुछ होने वाला है। जी संग्राम भैया आप क्या कहना चाहेंगे? आज बहुत ही अच्छा लगा आज समर भाई के साथ मिलके, और हम लोगों की चर्चा बहुत पहले से थी क्योंकि संजय भैया हमारे बहुत ही इस समय परम नज़दीकी भी हैं, तो कुछ नया करना चाह रहे हैं हमारे और समर भाई को लेकर, और निश्चित ही ये जोड़ी आगे चलकर कुछ ना कुछ नया करेगी। कौन कौन फिल्में इस साल हमारी? 3 महीने तो लॉकडाउन नहीं, लेकिन 4 महीने मैंने लगातार फिल्में ही किया। पहली फिल्म हमारी मोहे रंग दे प्यार के रंग सजना, काफ़ी बिग बजट की फिल्म है और ये बस दुर्गा पूजा पे रिलीज होगी। दूसरी है जनता दरबार, तीसरी है बलमुआ नदिया पार के, और 28 से इसी आपके हाई कोर्ट शुरू होने जा रहा है। तो हाई कोर्ट में जा रहे हैं क्या, कोई खास वजह है? हाँ, कुछ नया तो कुछ नया तो देखने को मिलेगा हाई कोर्ट में, क्योंकि फिल्मों का टाइटल हमारे कुछ ऐसे ही रहता है। इसके बाद हमारी इश्क नचाए बीच बाजार भी एकदम पूरी रेडी है, पूरा काम तैयार है, गाने भी रिकॉर्डिंग है, और तुरंत उसके बाद ACP संग्राम नाम का ही बैक टू बैक करना है, और समर भाई के साथ भी अब जल्दी हम लोग तैयारी कर रहे हैं। समर संग्राम निश्चित है, कुछ नया करेंगे। समर जी को देसी स्टार के साथ साथ भोजपुरी सिंघम भी उपाधि दी गई है, क्योंकि इनका जो अभी टीजर आया फाइटर किंग का, जी आपने देखा होगा, क्या कहना चाहेंगे? बहुत अच्छा, जो मेरे मन में है वही इनके भी मन में है, देसी है तो दबंग है, धरा है, तो दोनों लोगों का टाइटल कुछ ना कुछ जरूर आगे आ रहा है, एक ही उसमें कुछ नया होगा। भाई आप दर्शकों के कौन कौन फिल्म देते हैं? बस सभी लोग प्यार देते रहे और रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से, समर फिल्म एंटरटेनमेंट की तरफ से, सभी लोगों को ऐसे ही मुस्कुराते रहे, मस्त रहे। अभी भाग आपकी फिल्म जो है भगवान हाजिर हो बड़ी चर्चा में है, उसके एक उसके पोस्टर आ रहे हैं, क्या कहना चाहिए? हाँ, भगवान हाजिर हो पूरी तरह से कंप्लीट है, उसके डायरेक्टर हैं सचिन यादव जी और निशिकांत झा जी उसके प्रोड्यूसर हैं, उसमें हम भी हैं और प्रवेश लाल यादव जी हैं और तमाम बड़े कलाकार हैं जो भी उसमें हैं। अभी हमने डबिंग फाइनल कर दिया, तो हमको लगता है कि 1-10 दिन के अंदर उसका ट्रेलर आने वाला है आप लोगों के बीच में, बस आशीर्वाद की कामना करेंगे सभी लोगों से। और कौन कौन प्रोजेक्ट हैं? अभी बहुत सारा चल रहा है, आप लोगों को बताया जाएगा, बाकी तो आप लोग जानते हैं जो हुआ है। आपके कई गाने सालों साल बजते रहते हैं, ककरिया और कमरिया फैक्टर हिट रहा है, तो अभी कमरिया आगे और क्या क्या आने वाला है? अभी बहुत सारा है, अभी कम से कम हमको लगता है कि 50 गाने कमरिया पे आएंगे जी। क्योंकि देखिए थॉट एक होता है, उसको प्रेजेंट करना अलग अलग रूप में, तो अभी बहुत सारा, अभी देखते जाइए कितना कमरिया आता है। तो अभी ये सावन का बीता है, सावन बोल में ढेर सारे गाने आए हैं, सभी लोग आए हैं। अभी इस बार तो उतना माहौल नहीं रहा क्योंकि कोरोना की वजह से मंदिर खुले नहीं, लोग गए नहीं कमरिया लोग, तो उतना सावन का माहौल थोड़ा फीका था, लेकिन लोगों ने घर में पूजा किया, अगल बगल मंदिर में शिवाला में पूजा किया, जो लोग जल चढ़ाने जाते हैं देवघर या बाबा विश्वनाथ को या मार्कंडेय महादेव जी को, तमाम जगह पे जहाँ भी बाबा विराजमान है, तो वहाँ लोग गए नहीं क्योंकि कोरोना हावी था,
अब जब मंदिर खुलेगा अगली बार तो फिर होगा सारा कुछ। अपने फैंस दर्शकों से क्या कहना चाहेंगे? बस ऐसे ही समर सिंह को प्यार देते रहिए। आपका कहना चाहिए? बस क्योंकि कल है तो राखी का पर्व परसों है ही है, उस पर मैं सबको बधाई भी देता हूँ। और क्योंकि 14 साल बाद मैं इस लाइन में लौटा हूँ, मैंने बताया था कि 2007 में पहली फिल्म मेरी टूटे ना सनैया हमारा आई थी, यूट्यूब पर देख भी सकते हैं। मैं इस लाइन से दूर रहा और 14 साल के बाद लौटा हूँ और ऊपर वाले की दया है तो बैक टू बैक फिल्में करने जा रहा हूँ। और दर्शकों से यही चाहूँगा कि अगर लौटा हूँ तो उस हिसाब से आप लोग आशीर्वाद प्यार दें, जिससे एक नया आयाम मुझे मिल सके। बहुत बहुत धन्यवाद।